इधर भी एक छोटा सा रूम टाइप बना हुआ है, शायद यहाँ पे पहले पूजा अर्चना ऐसा कुछ होता था। और आप ईंट का साइज़ देखिए, बहुत ही मतलब छोटा छोटा ईंट का साइज है, और उसके साथ जो लाइम है उसको और कुछ मिला के ये बनाते थे पहले। अच्छा, हमें यहाँ पे आने के बाद ऐसा कुछ गार्ड वॉल टाइप देखने को मिलता है, स्ट्रक्चर वगैरह हो सकता है इसके अंदर वगैरह। अच्छा, हम उधर से ऊपर चढ़ के देखते हैं अंदर क्या है। अच्छा, अरे बाप रे, हेलो व्यूअर्स, इट्स मी अजय एंड वेलकम बैक टू एडी ब्लॉग्स। व्यूअर्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम हमारे होम टाउन जो हाइलाकंदी है वहाँ से हम खाशपुर जाएंगे, जो सिलचर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। वहाँ पे एक आर्कियोलॉजिकल साइट भी है, आज हम उस जगह को विजिट करेंगे, तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा आज का वीडियो। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह का बहुत सारे वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी टाइम हो चुका है 10:30, चलिए चलते हैं। जय श्री राम। पेट्रोल भी ले लिया अभी, चलिए आगे जाके हमें एक अच्छा पेट्रोल पंप मिलेगा रिलायंस का, तो वहां से और थोड़ा पेट्रोल लेंगे। आप जिसे सामने देख पा रहे हैं वो हमारे बोरागबली में पहला एक फ्लाईओवर है। ये अभी तक इनॉग्रेशन नहीं हुआ, इसलिए वहाँ पे सामने रास्ता जाम किया गया है, तो फिर भी लोग निकलते हैं अंदर से और हम भी जा रहे हैं। ये मतलब इलीगल है, फिर भी देखिए पुलिस वाले भाई साहब भी जा रहे हैं इधर से। देखिए आप बहुत सारे लोग इधर से, मतलब देखिए अभी एक भैंस भी जा रहा है फ्लाईओवर से, तो बहुत ही सुंदर है ऊपर से व्यू, तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। जब इनॉग्रेशन हो जाएगा तब तो ऑफिशियली हम लोग जा सकते हैं, अभी नॉन ऑफिशियली जा रहे हैं इधर से।
हमने पेट्रोल भी ले लिया 500 का, लेकिन यहाँ पे प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, 100 रुपीज़ 78 पैसा पर लीटर। ठीक है, मैंने भी सुना है यहाँ का पेट्रोल जो है वो थोड़ा अच्छा रहता है। मेरे साथ जय भी है, आज हम जा रहे हैं, अभी तक नहीं पहुँचे, अभी अराउंड 30 से 40 मिनट लग जाएगा फिर से खासपुर तक पहुँचने में। तो व्यूअर्स, अभी हम यहाँ से लेफ्ट जाएंगे, अगर आप राइट जाएंगे तो वहाँ से लोकीपुर, कोयलापुर ये सब जगह मिलेगा, और हम इधर से अभी लेफ्ट में जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद हमें एयरपोर्ट मिलेगा, उधर बंद, फिर खाचाकांती टेम्पल और बहुत सारे जगह मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, आप सामने शायद पूरा दिखाई नहीं देगा, इधर अटल जी का एक स्टेचू बना हुआ है, और ये जो है वो है क्लॉक टावर। आप देख पाएंगे इधर लिखा हुआ है उदारबंद 4 किलोमीटर एंड कुंभीरग्राम 17 किलोमीटर, शालगंगा एयरपोर्ट एंड, अच्छा ठीक है, जय, चलो चलते हैं। हाँ, आज धूप बहुत तेज है। तो व्यूअर्स, अभी हम यहाँ से राइट टर्न लेंगे, इधर से सीधा जाएंगे तो दूसरा एक जगह मिलता है, अच्छा मथुरा कुंवारी ऐसा कुछ नाम है इस जगह का, अगर हम यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो। अभी हम उदारबंद से राइट जा रहे हैं, अच्छा पहले शालगंगा मिलेगा, ये भी एक मतलब रिलीजियस, हिंदू रिलीजियस टेम्पल है वहाँ पे, लॉर्ड कृष्णा का एक मंदिर है। अगर टाइम मिलेगा तो आज के वीडियो में नहीं तो एक दूसरा वीडियो में हम उस जगह को भी दिखाएंगे, और उसके बाद शालगंगा के बाद हमें एयरपोर्ट मिलता है इसी रास्ते से ही जाके आगे। तो व्यूअर्स देखिए आप, कितना सुंदर हिली एरिया है यहाँ से, जैसे लग रहा है यहाँ पे जो क्लाउड है वो हिल्स के साथ पूरा मैचअप हो चुका है, बहुत ही सुंदर एक दृश्य है। तो व्यूअर्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं खाशपुर में, आप देख पाएंगे इधर से जो बाउंड्री वॉल है उस मॉन्यूमेंट का, इधर से शुरू हो चुका है। हम यहाँ पे बाइक पार्क कर देंगे और अंदर जाएंगे, तो चलिए। तो व्यूअर्स, अभी हम अंदर जाएंगे खाशपुर जो मॉन्यूमेंट है उसका। तो जाए, कितना टाइम लगा हमें यहाँ पे तकरीबन? 1 घंटा 45 मिनट तक। हाँ, अराउंड 2 आवर्स हमें लगा, और भी कम लगता, क्योंकि हमें अंदर आने के बाद पहले 2 ऐसा बोर्ड मिलता है जहाँ पे लिखा हुआ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कचहरी रुइंस खाशपुर, और इधर कुछ हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है, द मोनूमेंट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड टू बी नेशनल इम्पोर्टेंस अंडर द एंशियंट मोनूमेंट्स एंड आर्क्योलॉजिकल साइट्स एंड रिमेंस एक्ट 1958। अच्छा, होल ओवर डिस्ट्रॉय रिमूव, अच्छा बहुत सब कुछ है लिखा हुआ, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर, हमें पहले ही लेफ्ट साइड में 2 ऑफिस टाइप कुछ है, कुछ स्टोन वगैरह करते हैं, और हमें यहाँ पे 2 गेट मिलता है, आप मेरे राइट साइड में देख पाएंगे उधर, यहाँ पे कम से कम 3-4 गेट है। अच्छा, एक तो यहाँ से हम एंट्री लेते हैं और पीछे से भी है। अच्छा अच्छा, कि पीछे से लोग कम आते क्योंकि पूरा जंगल से कवर है, मतलब पेड़ पौधे से पूरा कवर है, इसलिए वो रोड थोड़ा गीला है। यहाँ से हम डायरेक्ट मतलब वो सामने, अच्छा हमें यहाँ पे आने के बाद ऐसा कुछ गार्ड वॉल टाइप देखने को मिलता है, स्ट्रक्चर वगैरह हो सकता है इसके अंदर वगैरह। अच्छा, हम उधर से ऊपर चढ़ के देखते हैं अंदर क्या है, अंदर कुछ दिखागा। अच्छा, अरे बाप रे, बहुत बहुत ही, ये शायद 2 फीट का
एक आप देख पाएंगे मेरे पैर कहाँ पे है और इतना मोटा एक गार्ड वाल है। यहाँ पे ईंट और चूना से जो पहले लोग प्लास्टर का काम करते थे, इस मॉडल में ये बना हुआ है। अच्छा हुआ इधर एक सीढ़ी टाइप बना हुआ है, मैं उधर से मतलब चढ़ के आया था। अब मैंने सोचा था अभी जाम करके ही उतरना पड़ेगा, और जय भी कह रहा था कि अजय दा आपको जाम करना पड़ेगा, लेकिन मैंने सोचा नहीं, उधर आने के बाद तो ऐसे एक सीढ़ी टाइप कुछ मिल गया तो हम उतर गए इधर से। सच में ये मतलब हाँ। तो आप सामने एक मोनूमेंट है आप देख पा रहे हैं, चलिए उधर जाते हैं अभी। तो व्यूअर्स आप देख पा रहे हैं इधर भी एक छोटा सा वॉल है, इधर भी है, उसके अंदर ये जो मोनूमेंट है वो बना हुआ है। तो व्यूअर्स चलिए हम अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जान लेते हैं। जैसे खाशपुर जो जगह है, खाश मीन्स स्पेशल इम्पोर्टेंट, और पुर मीन्स किसी प्लेस का नाम या ऐसा कुछ समझाया जाता है। खाशपुर मीन्स इम्पोर्टेंट प्लेस। ये जो फोर्ट है खाशपुर, ये 18th सेंचुरी में खाशपुर को युद्ध में जीते थे जो खाचारी रूलर थे उन्होंने, फिर उनका कैपिटल डिमापुर से खाशपुर में शिफ्ट कर दिया था उन्होंने। जो कचहरी रूलर्स थे उनका जो राजधानी था वो पहले दिमापुर था, फिर माईबोंग था, फिर खाशपुर में आया है। खाशपुर में जो तीन राजाओं का नाम जाना जाता है, जिनमें पहले नंबर पे है किंग हरिचंद्र द्वितीय, 1757 से लेके 1772 तक उन्होंने रूल्स किया यहाँ पे। फिर थे किंग कृष्णचंद्र नारायण, उन्होंने 1772 से लेके 1830 तक रूल किया। फिर किंग गोविंद्र चंद्र नारायण, उन्होंने 1813 से लेके 1830 तक उन्होंने रूल किया यहाँ पे। खाचारी राज्य का जो हिस्ट्री है वो पूरा क्लियर नहीं है। कुछ सोर्स से पता चलता है कि जब कुछ पॉलिटिकल इश्यूज के कारण खाचारी और डिमासा जो लोग पहले कामरूप में थे, वो लोग वहाँ से मतलब उस कामरूप को त्याग करके वो ब्रह्मपुत्र के जो इस पार आ गए थे उनको डिमासा कहते हैं, और जो लोग ब्रह्मपुत्र के उस पार रह गए थे उनको बोडो कहते हैं। और डिमासा होने का नाम एक ही कारण था, जो नदी के पुत्र है उनको डिमासा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र और कचहरी घाट में उनका प्रमाण मिलता है। और डिमासा जो लोग थे उनका पहले कुछ कुल देवियाँ थे, उनका नाम कैचाई खाइटी था, वो लोग उन देवी का पूजा करते थे। और जो लोग खाचारी हैं वो लोग अपने आप को महाभारत के भीम और जो डिमासा के राजकुमार हिरिम्बा थे उनके पुत्र घटोत्कच जो था उनके वंशधर माना जाता है। वो लोग बाद में माईबंग में जब थे उन लोग खाचारी लोग, तो वो उन्होंने हिंदू धर्म ग्रहण किया था, उससे पहले वो लोग उनका धर्म कुछ अलग था। व्यूअर्स अभी आप मेरे पीछे जो मोनूमेंट देख रहे हैं उसको बारोद्वारी कहते हैं, मतलब जिस बिल्डिंग का 12 नंबर ऑफ डोर्स है। तो ये बिल्डिंग जब बनाया गया था तो उसमें 12 नंबर ऑफ डोर्स था, अभी तो इतना डोर्स नहीं है, शायद वो समय के साथ साथ टूट के बिखर चुका है। तो ये जो बिल्डिंग है उसमें दो मंजिला इमारत है, आप देख पाएंगे नीचे एक स्टेयर है, उसके बाद ऊपर भी एक बिल्डिंग बना हुआ है। और पहले यहाँ से उसका कनेक्शन था, अभी वो टूट के गिर चुका है नीचे। और आप देख पाएंगे ये बिल्डिंग थोड़ा टिल्ट हो चुका है अभी वक्त के साथ साथ, और साइड में एक थोड़ा सा गार्ड वॉल टाइप बना हुआ है। और उसका जो डिज़ाइन है वो हिस्टोरियन है वो कहते हैं ये जो डिज़ाइन है वो मुग़ल आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस है, इस जो महल है उसका डिज़ाइन। और हम उसका जो टॉप रूफ है वो देख पाएंगे, ये थोड़ा एलिफेंट का जैसा शेप बना हुआ है, एलिफेंट शेप भी कहते हैं इस डिज़ाइन को। और इस डिज़ाइन के ये जो डोर्स बना हुआ है आप सामने देख पाएंगे, तीन जो टू स्टोरेज जो बिल्डिंग है उसके ऊपर, और वहाँ पे कुछ मोटिव्स डिज़ाइन भी है। तो देखने में तो बहुत ही अच्छा है, और इसी कारण से ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसको एक धरोहर माना, और उसको सेव करने के लिए, अच्छे रखने के लिए बहुत सारे प्रयास किया जा रहा है। हमें ये भी करना है, अगर इस तरह का कुछ मोनूमेंट है हम अगर विजिट करने आएंगे यहाँ पे, तो ये ज़्यादा मतलब वहाँ पे
किसी भी चॉकलेट या चिप्स का पैकेट यहाँ पे नहीं फेंकना है, हमें क्लीन रखना है। वैसे तो ये प्लेस बहुत ही साफ़ सुथरा है, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए, और आगे भी एक बिल्डिंग है, हम उसको देखेंगे। तो व्यूअर्स, पहले ये जो बिल्डिंग था उसको हमने बहुत सारे हिस्ट्री ने कहा है, यहाँ पे मतलब मीटिंग भी होता था, और जब यहाँ के जो किंग थे वो यहाँ पे बैठ के कुछ मतलब ऑफिशियल काम यहाँ पे बैठ के करते थे वो। स्टॉप हो गया यार। इधर भी एक छोटा सा रूम टाइप बना हुआ है, शायद यहाँ पे पहले पूजा अर्चना ऐसा कुछ होता था। और आप ईंट का साइज देखिए, बहुत ही मतलब छोटा छोटा ईंट का साइज है, और उसके साथ जो लाइम है उसको और कुछ मिला के ये बनाते थे पहले। तो व्यूअर्स, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये जो फर्स्ट फ्लोर है वो है, और इसके नीचे वो ये है ग्राउंड फ्लोर। हम इधर एक डोर दिखाई दे रहा है, उसका अंदर क्या है तो हम इधर से जा नहीं सकते, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर था इसके साथ पहले कनेक्शन था, अभी टूट चुका है। और चलिए नीचे जो है उसके अंदर दिखाते हैं आपको। इसके अंदर तो वैसे कुछ नहीं है, आप देख पा रहे हैं जो ये जो छोटा छोटा एक वॉल पे बना हुआ है इस तरह का चीज़। यहाँ पे शायद पहले तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, वहाँ पे शायद लैंप या ऐसा कुछ जला के रखते थे लोग। और ये जो वॉल है पूरा मतलब ऑरेंज टाइप कलर का है, और आप देख पा रहे हैं उधर। जय, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? अच्छा अच्छा, इधर भी ऐसा कुछ बना हुआ है, इधर भी शायद वो लैंप या ऐसा कुछ रखते थे पहले। और ये जो डोर बना हुआ है ये सब मतलब कंक्रीट से बंद किया गया है, ठीक है। यहाँ पे तीन डोर शेप बना हुआ है। इधर भी है तीन डोर का शेप, लेकिन ये भी प्लास्टर से मतलब पूरा बंद किया गया है। बस चलिए, अभी हम भी उधर ऊपर उठ के देखते हैं क्या है। ये बहुत ही मतलब रिस्की है, आप देख पाएंगे इधर जो स्टेयर भी बना हुआ है, लेकिन वो टूट के मतलब पूरा अभी रिस्क हो जाएगा। तो पहले यहाँ से उधर शायद कनेक्शन था, अभी तो नहीं है। हाँ, इधर देखिए आप, इधर कुछ नहीं है, और उसके बाद ये जो मोनूमेंट है उसके वॉल पे जो फ्लोरल डिज़ाइन बना हुआ है, ये हम बहुत सारे इंडिया के जितने भी मतलब आर्किटेक्चर बना हुआ है उनके वहाँ पे भी, उनके वॉल पे भी हम ऐसे डिज़ाइन देखते हैं। और हमारे आसाम के जैसे कामाख्या टेम्पल या इस तरह का जितने भी टेम्पल है वहाँ पर भी इस तरह का मोटिव डिज़ाइन हमें देखने को मिलता है। अभी हम जाएंगे वहाँ पे, और एक हाँ मोनूमेंट है उसको देखेंगे जाके। तो व्यूअर्स, ये जो आर्किटेक्चर है उसके ठीक बगल में ही हमें एक दूसरा आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। अभी चलिए हम इधर जाते हैं और उसको भी दिखाते हैं। ये जो आर्किटेक्चर है ये यहाँ पे पूजा के कामों में यूज़ किया जाता था पहले। उसके वॉल पे भी पहले जैसा ही मोटिव डिज़ाइन बना हुआ है। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं। अरे बाबा, ओ यहाँ, हाँ अंदर टेम्परेचर बहुत मतलब बाहर से बहुत ही अच्छा है। शायद पहले ज़माने में यहाँ पे पूजा अर्चना होता था, और उनके वॉल पे भी ऐसा बना हुआ है। सीलिंग में आप देख पाएंगे। यहाँ पर भी जो प्लास्टर है वो अभी टूट रहा है थोड़ा थोड़ा। हम जैसे
मिट्टी का बर्तन हमें मिलता है, उसी तरह का कलर है इस पे। छोटा छोटा दो शायद कुछ था पहले, अभी तो टूट के मतलब पूरा इतना ही बाकी है। इधर का जो स्ट्रक्चर है वो मतलब अभी भी क्लीन है, देखने में बहुत ही सुंदर है। और इधर एक छोटा सा वही। तो व्यूअर्स, मैंने पहले ही बोला था खाशपुर पहले त्रिपुरा किंगडम के अंडर में था। 18th सेंचुरी में इस खाशपुर कचहरी रूलर के अंडर में आ गया था। खाशपुर कचहरी रूलर के आखिरी किंगडम है और 20 जुलाई 1854 तक उन्होंने रूल किया कचहर को। कचहरी रूलर के नाम के अनुजाई मतलब यहाँ पे कचहरी रूलर जब थे वहाँ पे उनके नाम के अनुजाई इस डिस्ट्रिक्ट का नाम कचहर पड़ा है। और एक बात, जब ब्रिटिश यहाँ पे रूल कर रहे थे, कचहर में भी थे, तो उन्होंने क्या किया, जो पहले वाला आपने मोनूमेंट देखा 12 दरवाज़ा, वहाँ से ईंट निकाल के उन्होंने चंडीगढ़ टी एस्टेट जो बिल्ड किया था वहाँ पे उन्होंने वो ईंट यूज़ किया है। तो ये तो सही बात नहीं है, लेकिन फिर भी अभी जो हुआ है सो हुआ है। तो व्यूअर्स, अभी हम इस मोनूमेंट से इधर जा रहे हैं। सामने और एक मोनूमेंट है। एक्चुअली बहुत सारा मतलब बहुत कुछ है इस कैंपस के अंदर, तो हमें भी इतना तो मालूम नहीं है, हम भी पहली बार आए हैं यहाँ पे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है महारानी चंद्रकला पार्क। तो पार्क के अंदर तो घना जंगल है, हम नहीं जा रहे हैं अंदर। डर लग रहा है सांप डस लेगा। हाँ, हो सकता है अंदर कुछ। तो उधर शायद एक पार्क है, अंदर में एक पॉन्ड है। अच्छा, एक पॉन्ड है, शायद रानी वहाँ पे आके नहाती थी। तो चलिए आगे चलते हैं, और एक मोनूमेंट है, हम उसको भी दिखाएंगे आपको। तो व्यूअर्स, आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे एक पॉन्ड है और उसके पास और एक मोनूमेंट है आगे, हम अभी जा रहे हैं उधर। तो हमने इधर आके टोटल 3 मोनूमेंट देखा। उनका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है वो टॉप जो है वो एलिफेंट शेप का है। तो हम चारों तरफ से देख लेते हैं उसको घूम के। और यहाँ पे देखिए आप, एक बॉर्डर जैसा बना हुआ है पूरा इस आर्किटेक्चर के साइड में। हर एक आर्किटेक्चर का डिज़ाइन लैंग्वेज एक ही है, एक जैसा ही उनके मोटिव डिज़ाइन, फिर पिलर, ऐसा कुछ है। तो व्यूअर्स, आप देख पा रहे हैं इसका एरिया जो है बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ा है। इधर से शुरू हो टोटल एरिया इस खाशपुर जो मोनूमेंट है उसका है 42 एकड़, और बीघा में होगा 130 बीघा। तो व्यूअर्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। और हम आज आए थे खाशपुर, हमने बहुत सारे जगह देखा यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा लगा हमें आने के बाद। मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा, आप ज़रूर आइए यहाँ पे, विज़िट कीजिए, बहुत कुछ है देखने को। और ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, तो उसका कुछ हिस्टोरिकल भी इम्पोर्टेंस है, इसलिए ASI ने उसको रिकॉग्नाइज किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट कीजिए और इस जगह को देखिए।
तो व्यूअर्स, आज के वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तो व्यूअर्स, आप लोग अच्छे रहिए, सुरक्षित रहिए और मिलते हैं अगले एक वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे रहिए और प्लीज़ वेयर ए हेलमेट व्हाइल यू आर राइडिंग। थैंक यू। Let's go. Yeah.